हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम राजस्थान ओपन बोर्ड के कक्षा 12 हिंदी के पार्ट 2 के नोट्स पढ़ने वाले। उससे पहले यदि आपने पहले पार्ट के नोट्स नहीं देखे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिए गए, तो चलेगा स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हमारा पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संत रैदास की रचनाओं में किसके दर्शन होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है, संत रैदास की रचनाओं में भक्ति भाव के दर्शन होते हैं। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, रैदास के अनुसार मनुष्य कब तक सच्ची भक्ति नहीं कर सकता है? यह प्रश्न पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से याद करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, रैदास के अनुसार मनुष्य तब तक सच्ची भक्ति नहीं कर सकता जब तक वह काम क्रोध तथा सांसारिक मोहमाया से मुक्त नहीं होता है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, संत रैदास ने अपने काव्य में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, संत रैदास ने अपने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। चलेगा, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संत रैदास के गुरु कौन थे? यानी जो संत रैदास है उनके गुरु का क्या नाम है, वो आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, संत रैदास के गुरु रामानंद थे। कौन थे गुरु? रामानंद थे। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला पांचवा प्रश्न। देखिएगा, पांचवे प्रश्न में कहा जा रहा है, तीन कांड से क्या तात्पर्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, तीन कांड से तात्पर्य तीन लोक से है, जिसमें धरती, आकाश और पाताल है। आई बात आपको समझ में? अब देखिएगा साथियों, इन सभी नोट्स को आप अपने मोबाइल में किस प्रकार से देख सकते हो, तो चलेगा इसका मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूं। ये मेरा मोबाइल है, सबसे पहले यहां पे मैं लोक को ओपन कर देता हूं। तो इस प्रकार से मैंने लोक को ओपन कर दिया है। उसके बाद में आपके मोबाइल की भी इसी प्रकार की स्क्रीन होगी। इसमें आपको गूगल में जाना है, यहां पे देख सकते हो गूगल लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद में यहां पे आपको लिखना है MOST, उसके बाद में स्पेस EXAM, यानी आपको लिखना है मोस्ट एग्जाम। उसके बाद में नीचे यहां पे जो सर्च का बटन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार से मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का पेज खुल जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड जयपुर, और उसके बाद में यहाँ पे जो आपको क्लिक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार से राजस्थान ओपन बोर्ड की तमाम प्रकार की जानकारी आ जाएगी। लेकिन अब तो आपको 12 ओपन बोर्ड का पार्ट 2 के नोट्स देखने, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो राजस्थान ओपन बोर्ड कक्षा 12वीं के सभी नोट्स, इसके सामने क्लिक लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपके सामने राजस्थान के 12 ओपन बोर्ड के सभी पार्टों के नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ से अब हम दूसरे पार्ट के नोट्स देखते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे जो सामने क्लिक लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपके सामने राजस्थान के 12 ओपन बोर्ड के पेपर के नोट्स आपके खुल जाएंगे। तो ये है आपके दूसरे पार्ट के नोट्स, तो इस प्रकार से आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हो। तो चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला हमारा छठा प्रश्न है, शुद्ध हृदय और निर्मल बुद्धि किन मनुष्यों की होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, शुद्ध हृदय और निर्मल बुद्धि उन मनुष्यों की होती है जो ईश्वर भक्ति में लीन होते हैं। आई बात आपको समझ में? तो साथियों, अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करेगा। यदि चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, जिससे आपके और जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके भी नोट्स यहां पे अपलोड किए जाएगी, उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलेगा, बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है, व्यक्ति को पंडित कहलाने का अधिकारी कौन बनाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, व्यक्ति को ईश्वर भक्ति और ईश्वर प्रेम ही पंडित कहलाने का अधिकार बनाता है। कौन बनाता है? ईश्वर भक्ति और ईश्वर प्रेम ही पंडित कहलाने का अधिकारी बनाता है। चलेगा, आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, संत रैदास ने अपने दोहों में मात्राओं का प्रयोग किस क्रम में किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, संत रैदास ने अपने दोहों में मात्राओं का प्रयोग निम्नलिखित क्रम में किया है, जिसमें आप देख सकते हो संत रैदास ने दोहों के चार चरण रखे हैं, जिसमें विषम चरणों में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राओं का प्रयोग किया है तथा सम स्थानों दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राओं का प्रयोग किया है। तो ये प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले साल आपके बोर्ड के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से जरूर याद करिएगा। तो इतने ही आपके दूसरे पार्ट के इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे, इसके सिवा आपको और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो आपको डेफिनेटली हिंदी के पेपर में बेहतरीन नंबर प्राप्त होने वाले हैं। अब अगले पार्ट के प्रश्न देखने के लिए साइड में जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।